नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी में अपराधी बेलगाम है। इसका जीता जागता उदाहरण बलिया जनपद में देखने को मिला। बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के सोनाडी हाहानाला पुल के पास बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी। इस दौरान 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 1 को गंभीर अवस्था में बलिया के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए मऊ लाया, जहां उनका निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। आपको पूरा मामला बताते हैं कि मुरलीधर वर्मा उभाव थाना क्षेत्र के परडी गांव के रहने वाले, अपनी पत्नी प्रियंका वर्मा जो कि फतेहपुर मंडाव अहिरुपुर गांव में प्राथमिक स्कूल में टीचर है, उन्हें छोड़ने आ रहे थे। इस बीच हाहानाला पुल सोनाडी के पास बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इस दौरान वे बदमाश से भिड़ गए, लेकिन इस बीच रास्ते से ही जा रहे एक शिक्षक ने उन्हें देखा और बीच बचाव करने लगा। इस बीच उस शिक्षक को भी बदमाशों ने पेट में गोली मार दी। फिलहाल घटना के बाद 3 घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा होता है यूपी सरकार पर कि आखिर में दावे करने वाली तमाम सुरक्षा के आखिर में इस प्रकार की घटना कैसे घट रही है। सबसे तेज न्यूज बलिया ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।